आज सावन के पहले सोमवार के दिन पूरे देश के सभी शिव मंदिरों में सुबह से ही भक्तों की भारी भीड़ दिखाई दे रही है। इसी क्रम में हरिद्वार में भी सभी शिव मंदिर आज भक्तों से खचाखच भरे रहे। शिव भक्त आज सवेरे से ही बाबा भोलेनाथ का जलाभिषेक करने के लिए मंदिरों में पहुंच रहे हैं। इसी क्रम में उत्तराखंड के भाजपा प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक भी आज भगवान भोलेनाथ का जलाभिषेक करने पहुंचे। इस अवसर पर उन्होंने प्रदेश की खुशहाली की कामना की और पूरे प्रदेशवासियों को सावन के महीने की शुभकामनाएं दी। इसके साथ उपजिलाधिकारी पूरन सिंह राणा भी शिव मंदिर में भगवान भोलेनाथ का जलाभिषेक करने पहुंचे और उन्होंने भी पूरे प्रदेशवासियों को सावन के महीने की शुभकामनाएं दी। सावन का पहला सोमवार है, भक्तों की आस्था देखते ही बन रही है। हरिद्वार एक ऐसा स्थान है जहाँ से शायद अधिक मात्रा में एक आस्था को लेकर पूरे देश भर के यहाँ श्रद्धालु आते हैं और कांवड़ लेके यहाँ से जाते हैं। और आज पहले सोमवार को एक बड़ी मात्रा में यहाँ श्रद्धालु जा रहे हैं, लेकिन दक्ष प्रजापति मंदिर जहाँ पर भी आज भारी संख्या में श्रद्धालु आए हैं, तो आज मुझे भी सौभाग्य मिला जलाभिषेक करने का। भगवान भोलेनाथ राज्य में समृद्धि दे, देश में समृद्धि दे, सभी को काम करने के लिए हमें भगवान का आशीर्वाद मिले, यही मनोकामना। यात्रा से कुशल संपन्न। पहली बात तो पूरा सावन ही यहाँ आने के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। ये राजा दक्ष का मंदिर है और यहाँ भगवान भोलेनाथ की ससुराल के रूप में इसको जाना जाता है। और जो सावन के चार महीने होते हैं वो तो बहुत ही उनका महत्व होता है और निरंतर यहाँ चार बजे से लाइन लग जाती है, और जिसको हमारे सनातन धर्म में बहुत अच्छा माना गया है, स्नान करना और यहाँ भोलेनाथ पे जल चढ़ाना। मैं निरंतर पिछले 15-20 साल से यहाँ आता हूँ, बाबा भोलेनाथ की बहुत कृपा है हमारे ऊपर। और बस मैं इतना ही कहूँगा, आपको सबको बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं। थैंक यू कंथल में। और सबसे पहले तो श्रावण मास की सभी लोगों को बहुत बहुत शुभकामनाएं और बधाइयाँ। भोले सबके जीवन में खुशियाँ लेके आए, सबका सबके ऊपर आशीष बना रहे। बाकी जो कांवड़ यात्रा भी क्योंकि गतिमान है, बहुत दूर दूर से लाखों करोड़ों श्रद्धालु जल चढ़ाने आते हैं, तो उसके दृष्टिगत दक्ष मंदिर कंथल है और हर की पैड़ी है, जितनी भी अन्य जगह है उसको लेके प्रॉपर प्रशासन के द्वारा तैयारियाँ की गई है। प्रॉपर पुलिस फोर्स तैनात किया गया है, सेक्टर और जोन में क्षेत्र को डिवाइड किया गया है, और हर सेक्टर में जो भी व्यक्ति आ रहा है, कांवड़ यात्री आ रहा है, उसके दृष्टिगत पानी, बिजली, अन्य सभी चीज़ों की व्यवस्थाएँ की गई है, और जो भी चीज़ें हैं एज पर लॉ किया गया है। और बाकी सभी लोगों को पुनः एक बार श्रावण मास की बहुत बहुत शुभकामनाएं और बधाई।